आज ना हम महाभारत की बात करेंगे, ना रामायण की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ना किसी किस्से कहानी की, बल्कि एक कविता की जो कि कलयुग पर आधारित है। और ये कविता लिखी है आशुतोष राणा जी ने। तो चलिए दोस्तों, आज इस कविता से आपको रूबरू करवाता हूं। इसमें किस तरह से आशुतोष राणा जी ने कलयुग का वृंतांत बताया है, कलयुग में हो रहे अत्याचार और हमारे धर्म के बारे में बताया है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति। भारत के जाने माने कलाकार और हिंदी लेखक आशुतोष राणा के द्वारा हमारे साथ एक साहित्य सम्मेलन में इस कविता को सुनाया गया था। ये एक बहुत ही अच्छी कविता है जो कि हिंदी जानने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस कविता में कलयुग और भगवान के मध्य संवाद स्थापित किया गया है। तो आइए अब मैं आपको आशुतोष राणा की ये हिंदी कविता सुनाता हूँ, वो भी अपनी जुबानी। इस खास कविता का शीर्षक है कलयुग तू एक कल्पना है। अब अशुद्धि के लिए शुद्ध होना चाहता हूँ, कुबुद्धि के लिए बुद्ध होना चाहता हूँ, और चाहता हूँ इस जगत में शांति चारों ओर हो। इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूँ, चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारे, चाहता हूँ इस धरा पर दृश्य फूले फले, चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण की तुम आओ और मुझे मार दो, मैं नहीं वो कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो, मैं जगत हूँ अधिष्ठाता मुझे पहचान लो, हर हृदय में मैं बसा हूँ ये बात मेरी मान लो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे संत जन बेहद अखड़ में आ गए हैं, मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, और युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से तुम रार लो। ये तुम्हारे भक्त ही अब धुर विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए हैं। मैं नहीं वंश का तुम्हारे राम कृष्ण और वृद्धा का, मैं बनूंगा तुम्हारे नाश का कारण युद्ध का, अब नहीं गलतियां मैं वैसी करूं जो कर चुका, रावण बड़ा ही वीर था वो कब का छल से मर चुका, तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हत तुम्हें बस्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निर्हय मूर्ख थे बस जिद पकड़ना जानते थे, मैं नहीं ऐसा कि छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा, अब मैं नहीं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब मैं हड़प लेता इन मानवों के भेष को, मैंने सुना था तुम इन्हीं के ध्येय में हो वास करते, धर्म कर्म पूजा पाठ और तुम उपास करते, तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे पड़ रहे थे, और तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे, अब मनुज की आत्मा और मन में मेरा ही वास है, अब मनुज के तन का हर रोम रोम मेरा दास है, काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो, और नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो, तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक श्रेष्ठ हो, इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल ईष्ट हो, अब बचो अपने ही भक्तों से संभलो जान को, और बन सके तो बचा लो अपने ही गौरव मान को, अब नहीं मैं रूप धर के सज सवर के घूमता हूँ, अब नहीं मैं छल कपट को सर पर रख के घूमता हूँ, अब नहीं निंदनीय चोरी डकैती और अरण्य, अब हुए अभिनंदनीय झूठ हत्या और दमन, मैं कली हूँ आचरण मेरे तुत्रित धारण करो, अन्यथा अब कीर्ति कुंठा के उचित कारण बनो, अब होगा महामौन का मुखर खुश, तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सुनता रहा, तेरे हृदय की वेदना मैं मन ही मन गुणता रहा, है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत्य के वास्ते, चाहता तो तू बंद करना है सभी के रास्ते, मुझको चुनौती देके तू भगवान होना चाहता है, अज्ञान का पुतला है तू पर ज्ञान होना चाहता है,
तो समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तो स्वयं ही ब्रह्म और उसका नाद होना चाहता है। तो विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का, तो स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है। तो स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तो स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तो नहीं कुछ भी कली इस सत्य को तू जान ले, और कुछ भी नहीं वश में तेरे, ये बात मेरी मान ले। ये भगवान स्वयं कली से कह रहे हैं, जो भी तू बीत गया ऐसा कल है, या आने वाला कल ही छल है। मैं वर्तमान का महाराग, मैं सदा उपस्थित पुलकित पल, तो बीते कल की गलानी है या आने वाली चिंता है। मैं वर्तमान आनंदित क्षण में, विश्व मुझी में खेलता है, तो कल की बातें करता है, मैं कल की बन के आता हूँ। मैं तेरे कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूँ, तू कल की कपट का काला है, मैं कल की उसी की ताली हूँ। तू शंका की महाधुंध है, मैं समाधान की लाली हूँ। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब है जो मशीन, कल जो वो दुख पाएगा, कल का मतलब जो गलानी है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं, कल कभी किसी को मिलता नहीं। कल तो बस एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुज हृदय की प्रत्याशा है, कल को उसी बेकारी है। कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तिगत नहीं, कल की तो एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। कली तू अभी कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको मैं आज बताता हूँ, विश्व रूप दिखलाता हूँ, मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ, मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुज हृदय की भक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सत्य नाम धरता हूँ, जब राम प्रकट हो जाते हैं, मैं त्रेता युग कहलाता हूँ, जब न्याय धर्म की इच्छा हो, द्वापर युग हो जाता हूँ, जब काम क्रोध मद लोभ उठे, तब कल की काल का कहलाता हूँ, आनंद मगन जब होता हूँ, तो शिव चंगू कहलाता हूँ, जब प्रलय तांडव नृत्य करूँ, तब महाकाल हो जाता हूँ, मैं ही महादेव के डमरू हूँ, मैं ही वंशीधर की वंशी हूँ, और मैं ही परशुराम का फरसा भी, मैं ही श्री राम का बाण भी। तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार है, मैं सृष्टि का विजनाद हूँ और मनुज हृदय की जय जयकार हूँ। मैं भी अनंग तू भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग, तू है अरूप मैं दिव्य रूप, ये बात मेरी कली तू जान ले। कलयुग में आएगा एक ऐसा क्षण, जब कल की अवतार तुझे मिल जाएगा, क्षीण भीण मस्तक उखाड़, तुझे धरती की धूल चटाएगा। तो दोस्तों ये थी आशुतोष राणा की कलयुग के ऊपर एक खास वृतांत कथा, जिसे कविता भी कहते हैं, और इसमें किस तरह से कल की अवतार ने भगवान के प्रति आक्रोश दिखाया और किस प्रकार भगवान ने उसके बारे में उसको बताया, ये सब के बारे में बता रखा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।